बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे पर शराब से भरे ट्रक में लगी आग जलकर हुआ खाक। बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे पर बीती रात करीब 2 बजे लोहे की सरिया से भरे एक ट्रक में आग लग गई, जिसके चलते ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से सरिया लेकर गुजरात जा रहा था। इसी दौरान चिचोली थाना क्षेत्र के कुरसना गवासेन मार्ग के पीपल घाट पर ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ट्रक में किन कारणों से आग लगी है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। सूचना मिलने पर चिचोली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक नेशनल हाईवे से गुजर रहा था, इसी दौरान ट्रक में पहले चिंगारियां निकली, इसके बाद ट्रक में देखते ही देखते आग लग गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।